सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज फ्रॉम गॉफ फ्रॉम भाई। आज के ब्लॉग में ना मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर दिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। कई सारे मेरे भाई लोग हैं दोस्त लोग हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, वीडियोस में कमेंट करते हैं, ऐसी जगह दिखाओ जहाँ अपनी गाड़ी का हम डेंटिंग पेंटिंग और इवन सर्विस रिलेटेड काम भी करवा लें। क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं जो लोग मेरी तरह जो है सफ़र कर जाते हैं अपने सर्विस सेंटर पे, उनकी मजबूरी भी रहती है कि उनको एक अच्छा सर्विस सेंटर नहीं मिलता जहाँ पे अपनी गाड़ी की वो सर्विस करवा सके। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आज फिक्सिंगो के पास। मैं आपको दिखाऊंगा एक होंडा अमेज जिसके अंदर पूरा का पूरा ए टू जेड सारा ही काम हो रहा है एक्सटीरियर बॉडी के ऊपर, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड हर एक काम उसके अंदर होने वाला है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वर्कशॉप पूरा कि यहाँ पे क्या है काम। सो सामने आपको मेन रोड मिलेगी, मेन रोड से अंदर आप एंट्री करती है आप लोगों को पहले मिलता है वेटिंग रूम मिल जाता है और ऑफिस रूम मिलता है, और सामने आपका पूरा वर्क प्लेस है इसके अंदर जो है सारा काम होता है, ठीक है। ये गाड़ी है यहाँ पे खड़ी, आप देख पा रहे हैं पूरी मतलब पलटी हुई गाड़ियाँ जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ख़त्म गाड़ियाँ, वो यहाँ पे जो आती है बिल्कुल एकदम ओके की रिपोर्ट होकर जाती है। सर आप लोगों को पता है कि ना कई लोग मेरे से पूछते भी थे भाई कहाँ से कराएगा हम, कोई अच्छा डेंटर पेंटर बता दो जहाँ से हम ना काम करवा लें और थोड़ा टेस्ट भी हम लोगों को बना रहे। तो ये आज हम आए फिक्सिंग पे, देख लीजिए भाई यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे सर्विस रिलेटेड सारे काम होते हैं, चाहे तो आपका इंजन ऑयल चेंज करना हो गया, चाहे तो आपकी जो है बैलेंसिंग होगी व्हील बैलेंसिंग होगी गाड़ी को ऊपर करके इंजन ऑयल वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे ठीक की जाती है। और ये मल्टी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ सिर्फ टाटा की हुंडई की या महिंद्रा की कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, यहाँ आपको मल्टी ब्रांड देखने के लिए मिलेगा। मेरे सामने यहाँ पे एक क्रेटा खड़ी है, एक इको फोर्ड इको स्पोर्ट खड़ी है, एक क्विड खड़ी है, एक क्विड हावी खड़ी है, एक टोयोटा खड़ी है, मतलब सारे एक मिक्स ब्रांड है। तो ये तो हो गया मिक्स ब्रांड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो गाड़ी जो मैं आप लोगों को स्पेशल दिखाने के लिए लाया हूँ, जिससे कि आप लोगों को फिक्सिंगो के बारे में डिटेल में बता सकूँ कि हाँ भाई एक अच्छा ब्रांड अच्छा काम कर रहा है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना डेफिनेटली चाहिए। सो ऐसा कार कुछ नजर आती है अपनी यहाँ पे, देख लो भाइयों पूरी गाड़ी डेंट पेंट है ए टू जेड, पूरा बॉडी फ्रंट का बम्पर और ये बोनट हो गया, साइड के फेंडर्स दोनों डोर्स रूफ, मतलब इस गाड़ी के लग रहा है हालत बहुत बुरी थी। गाड़ी में अभी भैया जी काम करने आ गए हैं, तो इस गाड़ी के ऊपर तो क्या काम हो रहा है मैं आपको जो है डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जैसे इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा सरफेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा रफ है, देख रहे थोड़ा रफ आपको नजर आ रहा होगा, वो हाथ लगा के भी फील हो रहा है कि रफनेस उसमें लग रही है कि जैसे कि डस्ट वस्ट पड़ी होगी। यहाँ पे हमारा काम गाड़ी पे चल रहा है, हमारे साथ जसवीर भी हैं। भैया जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ भैया, आप बताइए। बढ़िया। अच्छा भैया हमें आप गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि गाड़ी हमारी एक्सीडेंटल थी। हाँ गाड़ी एक्सीडेंटल थी पूरी, मतलब कितनी डैमेज थी? काफी ज्यादा डैमेज थी फ्रंट पे। आप लेके चलिए हमें एक बार, तो दिखा देते हैं आपको कि गाड़ी हमारी किस कंडीशन में जो है हमारे पास आई थी, क्योंकि गाड़ी में पूरी पूरी फुल क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में फुल बॉडी पेंट हम कर रहे हैं। अच्छा भैया बताइए कहाँ से डैमेज हुई थी कार? ये गाड़ी पूरी यहाँ से डैमेज थी। ओके फ्रंट का पार्ट पूरा पूरा टोटली, ये देखिए पूरा कवर अप किया हुआ। अच्छा मुझे पहले ये जानना है कि ये इस टाइम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो काम क्या क्या किया आपने इसके अंदर पे? काम हमने देखिए इसका पूरा डेंट निकाला है इसकी वजह से कवर अप करके, और इसके बॉडी फिलर भरा हुआ, बॉडी फिलर से भर के, और पूरा ये जहाँ पे भी हमें कोई थोड़ा बहुत या डाउट लग रहा था कि हाँ कि ये डेंट है थोड़ा, इसको बॉडी फिलर से फिलर कर दिया पूरा। ओके जैसे मैं देख पा रहा हूँ कहीं कहीं पे जैसे ये वाला एरिया है टायर के फेंडर के ऊपर का एरिया हो गया, पेट्रोल टैंक के नीचे वाला एरिया हो गया, तो मतलब जहाँ जहाँ पे हमको ये बॉडी फिलर नजर आ रहे हैं मतलब ये एरिया एक तरह से डेंट पे था, डेंट पे था, दबा हुआ था, जो भी था। ठीक है निकाल के हम लोग कवर इसी भाई लोग भाई को हमारे पेंट कराना है, तो पेंट का प्रोसीजर क्या रहता है मतलब बेसिकली आप एक बार बिल्कुल रॉ से बताइए। जैसे मान लीजिए सरफेस एकदम नया है पेंटेड है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारे इसके ऊपर पेंट करने से? हम लोग इस पे पहले पेपर मारेंगे, पेपर हाँ जी पेपर मार के इसको बराबर करेंगे, कि उसके बाद देन जा कहीं भी हमारा वो थोड़ा बहुत डेंट होगा उसको निकाल के ओके उसके बॉडी फिलर भरेंगे। ठीक है बॉडी फिलर भर के फिर उसका अस्तर मारेंगे प्राइमर इसको बोलते हैं हम, प्राइमर मार के उसके देन हम लोग फिर पेंट करेंगे। पेंट हाँ जी हम जिस पेंट
इसका पैनल को पेंट करेंगे, उसके बाद में हम लोग रबिंग करेंगे उस पेंट को। ओके, पैनल को हम रबिंग करके देते हैं पूरे कंप्लीटली। ठीक है, अच्छा मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट हमारा बता रहे हैं पूरा फ्रंट से डैमेज था, तो ये हमारा एक तरह से बॉडी फिलर ही आपने किया हुआ है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ स्क्रब किया है, उसको इसके लेवल एकदम लेवल पे ले आए। उसके बाद अब जब इसका पूरा लेवल एकदम इक्वल है तो अब इसके ऊपर हम प्राइमर करेंगे। ठीक है, तो प्राइमर हमारा बेसिकली एक तरह से स्प्रे होता है मतलब। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे गाड़ी को लेके? हम सब पेंट बूथ में जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर पेंट बूथ के अंदर गाड़ी को ले जाएंगे, वहाँ पेंट भी होगा स्प्रे प्राइमर भी होगा। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ हमने आपको डिटेल में बताया कि गाड़ी के अंदर जो है क्या काम हुआ था, क्या काम अब होना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे गाड़ी को पेंट बूथ के अंदर ले जाना, और वहाँ ले जाके गाड़ी को जो है प्रॉपरली उस पर पहले हम प्राइमर करेंगे, उसके बाद हम पेंट करेंगे। दिखाता हूँ, एक वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने अपना है पेंट बूथ पूरा, जिसके अंदर की प्रॉपरली पेंट यहाँ पे गाड़ी होने वाली है। ठीक है, और पेंट करने के लिए प्रॉपरली पेंट बूथ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ये पूरा हमारा पेंट मशीन है। तो भैया अब हम आ गए हैं पेंट बूथ के अंदर हमारे, तो यहाँ पे हमारा प्राइमर होना है, इस पर प्राइमर होगा, उसके बाद पेंट होगा। दो स्टेप बचे हैं हमारे। ठीक है, तो जब ये पूरा पेंट बूथ की नीड क्यों होती है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा क्यूरियोसिटी होगी, किसी किसी को बता भी है पर हर किसी को नहीं पता था पेंट की, पेंट बूथ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है पेंट के लिए? क्योंकि पेंट यहाँ पे अच्छे से सूख पाता है कि पूरी तरह ड्राई हो जाता है। okay. और देन इसमें कोई भी दाना दाना नजर नहीं आता। ओके, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं आते। ओके, प्रॉपर पेंट यहाँ पे सूखेगा, पूरा प्रॉपर पेंट सेट हो जाएगा। पेंट बूथ में हीटिंग चैम्बर होता है, पेंट की तरह से इसमें हीट होता है पूरा, इसमें पेंट सुखाते हैं, बाद में नहीं सुखाते हैं। ठीक 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 है भैया, तो अब हम इस पे करते हैं अपना प्राइमरी कोटिंग स्टार्ट। आइए, आप देख पा रहे हैं भैया को मैंने बीच में रोका है। भैया अब आप बताइए हमें, अब अभी आपने क्या किया इसके ऊपर? इस पे हमने प्राइमर मारा है, अस्तर मारा है, अस्तर पट्टी मारा है, इसके बाद इसकी घिसाई होगी, उसके बाद फिर से फाइनल पेंट हो गया। फाइनल पेंट इसके बाद अब इसके बाद फाइनल पेंट होगा। ठीक है, मतलब गाड़ी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हमने पेंट बूथ वगैरह रेडी किया हुआ है, गाड़ी के ऊपर जितनी मेहनत हो रही ना, मुझे लग रहा है गाड़ी का एक अलग ही यहाँ पे रूप निकल के आएगा थोड़ी देर। सो नाउ इट्स अ डे टू, अपनी गाड़ी हो गई है पूरी तरह से रेडी। आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, मुझे भी नजर आ रहा है। तो भैया कितना टाइम लग गया पहले तो इस गाड़ी को पूरा रेडी करने में आपको पेंट? भाई ये पूरा गाड़ी हम लोगों को पेंट करने के लिए 3-4 दिन लग गए, 4 दिन लग गया। चार दिन? हाँ जी। ठीक है, उसके पहले बता पाई बॉडी फिल्टर भर के। हाँ, पहले बॉडी फिल्टर बन भरता है, उसके बाद पेपर लाइन मार के, उसके बाद गाड़ी जैसे आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने दिखाया था कि प्राइमर मारा था गाड़ी पे, तो उसके बाद पेंट बूथ में था, पेंट बूथ में थी गाड़ी। हाँ बिल्कुल सही है, तो उसका पेंट बच के पूरी गाड़ी यहाँ पे रेडी होके आती है। पूरी गाड़ी यहाँ पे रेडी होके आ चुकी है, ग्लॉस आपके सामने है, हर एक चीज़ आपने देखी थी। फ्रंट से भी ये गाड़ी एकदम लेफ्ट हैंड साइड से पूरी ठुकी हुई थी, और अब देख लो भाई कहीं से भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आएगा। पेंट जो आप जिसे कहते हैं बहुत बेहतरीन यहाँ भैया ने करवाया है। अच्छा भैया, ये पेंट तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपसे ही पेंट क्यों करवाएं? जो भी हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट टूल्स है इसके लिए। ओके, ठीक है, जो हमारे पास पेंट मशीन भी आपने देख ली लास्ट टाइम, पेंट मशीन देखी थी, पेंट बूथ है हमारे पास, जो भी पूरा पेंट मैच के लिए हमारे मैचिंग सब कुछ करते हैं, तो हम लोग तक इसकी 2 ईयर्स की वारंटी भी देते हैं। इनके जगह बबल या खराब पेंट होता है तो हम लोग मीन्स दोबारा करके देते हैं गाड़ी को। अच्छा, तो मतलब यहाँ भैया बता रहे हैं कि अगर इन केस अगर आपको लग रहा है कि पेंट कहीं से ख़राब हो रहा है, पपड़ी निकल रही है, यूजुअली क्या होता है भैया बताता हूँ, दरारें आती है पेंट में। ठीक है, अगर नकली पेंट यूज़ करें तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपके पेंट में कुछ भी खराबी है, दिक्कत निकलती है, तो आप रीपेंट करके देंगे फिर से? चलो ये चीज़ सबसे अच्छी है। अच्छा भैया एक दो चीज़ें और, जैसे आपने बताया कि आपके पास पेंट बूथ है,
पेंट की मशीन है प्रॉपर, तो मतलब इस चीज से भी काफी फर्क पड़ता है, मतलब पेंट मतलब फर्क पड़ता होगा काफी, ठीक है। मतलब क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है लोगों को पेंट करवा लेते हैं लेकिन वो पेंट पता कैसे निकलता है, दरारें आ जाती हैं, पपड़ी बन के निकल जाता है, तो वो चीज तो हमारे साथ नहीं होगी। नहीं सर, कोई इशू नहीं, ऐसा इनकेस कोई आता भी है तो हम लोग रीपेंट करके देंगे। अच्छा, मतलब हटा के पूरा प्रॉपर्टी। और अगर इनकेस अगर आपका पेंट खराब हुआ, दो साल की उसकी गारंटी भी है राइट? वैसे तो मुझे पता है कि नहीं होगा, क्योंकि जो खराब होने वाला पेंट होता है उसकी पहचान ही अलग होती है। यहाँ पे आपको देख लो, आइयो एकदम क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ मैं। सो भाई, यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपको लेकर आया था फिक्सिंगो में, गुड़गांव ब्रांच में, सेक्टर 18 में। आप लोगों में कई सारी फरमाइशें आ रही थी कि यार मैकेनिक से रिलेटेड जॉब दिखा दो, पेंट रिलेटेड दिखा दो। कई लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, कई लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे, तो मैं भी आप लोगों के लिए एक ट्रस्टवर्दी जगह ढूंढ रहा था जहाँ आप अपनी गाड़ी लेके आ सके और आपको यकीन हो कि हाँ भाई, यहाँ पे अपनी गाड़ी पे कोई भी जो है मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर जो है एक बढ़िया और अच्छा काम आपको मिलेगा। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से पेंट रिलेटेड जॉब, या अगर आपको कुछ भी करवाना है मैकेनिक से रिलेटेड, पेंट रिलेटेड, कोई भी काम हो ए से लेके जेड तक, आप आ सकते हैं। फिक्सिंगो में स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इवन आप जो है उनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर से। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेकर आऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कार के साथ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको और वीडियोस की। चलिए, मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियोस। टिल देन, बाय।